मोहनपुर मस्जिद गली ऊपर टोला में व्याप्त घोर पेयजल संकट का मुआयना करने गई भाकपा माले की टीम ने मंगलवार को नगर निगम पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। टीम में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा सहित स्थानीय वार्ड निवासी निवर्तमान जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी शामिल थे। स्थानीय लोगों ने माले की टीम को बताया कि विगत एक वर्ष से उन्हें पानी की घोर किल्लत हो रही है। त्योहारों को छोड़ मस्जिद गली ऊपर टोला के लोगों को सप्लाई का पानी मिलता ही नहीं है, जबकि इस संबंध में लगातार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम सहित इस क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले छोटे से बड़े सारे प्रतिनिधिगण उदासीन बने हुए हैं। समस्या से अवगत होने के बाद भाकपा माले की ओर से नगर निगम को यह चेतावनी दी गई कि यदि सप्ताह भर के अंदर यहां पानी की समस्या हल नहीं हुई तो स्थानीय लोगों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो सड़क जाम जैसे रास्ते भी अख्तियार किए जाएंगे। टीम ने वहां लोगों को इसकी तैयारी करने को भी कहा। मौके पर स्थानीय सदर मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद वीरू, मोहम्मद रियाज, आसमा खातून, शायरा खातून, सबीना खातून, जुलेखा खातून समेत अन्य मौजूद थे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र 5 नंबर वार्ड मस्जिद गली ऊपर टोला के लोगों ने भाकपा माले को शिकायत की कि उन्हें करीब 1 साल से पानी नहीं मिल रहा है। इसी शिकायत पर हम लोग भाकपा माले की टीम लेकर यहाँ पर आए। यहाँ का हम लोगों ने भी जायजा लिया है, पता लगा कि वाकई यहाँ साल भर से पानी नहीं मिल रहा है। हम इसके लिए यहाँ नगर निगम के पदाधिकारियों को हम आगाह करते हैं कि वे अविलंब यहाँ पानी का सवाल को हल करें, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद इस पूरे मोहल्ले के लोग जो पानी के समस्या से परेशान हैं वो सारे लोग आकर के नगर निगम के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हर हाल में उनको अगर वो टैक्स लेते हैं तो उनको यहाँ पानी की व्यवस्था की गारंटी करनी होगी। नगर निगम वार्ड नंबर 5 में पानी का बहुत समस्या है, लगभग 1 साल से समस्या है। कई लोगों से इन्होंने बात भी की, सदर विधायक चाहे उपायुक्त या वार्ड कमिश्नर को इन्होंने लेटर भी दिया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम आज इसके माध्यम से वार्ड कमिश्नर को एक चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द 1 सप्ताह में सुधर नहीं गया इस जगह को, नगर निगम को घेरेंगे और संबंधित अधिकारी को घेरेंगे। टैक्स लेने के लिए आप जगह जगह पे लेटर भेजते हैं कि टैक्स दीजिए, और पानी के देने समय आपको दिमाग खराब होने लगता है। अगर रास्ते में पकड़कर उन अफसरों को जो संबंधित अधिकारी हैं, पकड़ के एकदम घेर लेना चाहिए वैसे व्यक्तियों को जो पूरा गिरिडीह को तबाह कर रहा है। पानी के लिए पूरा गिरिडीह तबाह हो रहा है। अब तमाम लोगों से निवेदन है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस माध्यम से, कि आप नगर निगम को घेरिए, इनको छोड़िए मत। ये प्रत्येक महीना अपना सैलरी उठा लेते हैं लेकिन आपके साथ हमेशा धोखा करते हैं।